मतलब 14 दिन का पंचांग, जो हमारा पंचांग होता है वो कितने दिन का होता है, 14 डेज का एक पंचांग प्रश्न खत्म होता है, कैसे होता है। तो पहले हम बात करेंगे, इससे छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव भी आ जाते हैं, सब्जेक्टिव भी आ जाते हैं। तारामंडल, तो ये तारामंडल जो है तो होता है क्या, क्या होता है आकाश में, अगर मैं आकाश लूं तो बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां एक ग्रुप में, समूह में सितारे होते हैं, मंडल में रहते हैं, मंडल मतलब समूह में रहते हैं। तारों का एक सुव्यवस्थित, अभी कोई नहीं लिखना, मैं लिखवाऊंगा, व्यवस्थित समूह होता है एक प्रकार, बहुत सुंदर सा, अलग 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 अलग, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टलेशन, कॉन्स्टलेशन। तारों का हमारे आकाश में एक बहुत सुंदर समूह होता है, आकृति में एक ग्रुप में समूह में रहते हैं, उनको हम कहते हैं सुंदर व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, तारा मंडल कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में अगर मैं अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल, अगर मैं यूनिट इकाई के बारे में बात करूं जो लॉन्च करते हैं, तो उन्होंने 88 तारा मंडल बताए। पहले मेरी बात सुनिएगा, दिमाग में चल रहा होगा प्रियंका के 89, हाँ या ना, चला था, मैं जानता हूं हर बच्चे की नब, इतना तुमसे जुड़ा हुआ हूं ना, मुझे मालूम कब क्या कोई सोच रहा होगा। हमारे जो खगोलिकीय जो हैं वो 88 तारा मंडलों को बता, क्वेश्चन है तारा मंडल क्या होता है, एक ही तारा मंडल को एक उत्तरी और एक दक्षिणी, साउदर्न बताया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इस हिसाब से हमारे हो जाते कितने, 89। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अगर परीक्षा में आपके 88 तारा मंडल दिए हुए, 88 दिए हैं, तो आप किस पे लगाएंगे, 88 पे लगाएंगे, और अगर 88 नहीं दिया हुआ है, 87, 89, 90, 91 जो भी दिया हुआ है, तो आप 89 पे जाएंगे, क्योंकि एक तारा मंडल सेंट्रोइड को हमने उत्तरी और दक्षिणी तारा मंडल के रूप में भाग में विभाजित करके रखा है, तो उसके दो जैसे होते हैं, अमेरिका है नहीं है, अलग अलग, तो ऐसे उसको 89 माना जा सकता है। लेकिन अगर 89 भी दिया, 88 भी दिया, तो आप किस पे टिक लगाएंगे, 88 पे। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, क्लियर हो गया। तो हमारे जो सुंदर जो आकृति है हमारे आकाश में, व्यवस्थित तारे समूह है, उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, तारा मंडल कहते हैं। और कितने तारा मंडल अभी हमारे स्थित हैं, 88। जैसे ग्रेट वियर सप्त ऋषि, जैसे ग्रेट वियर सप्त ऋषि, ओरियन तारा मंडल, ओरियन से क्वेश्चन आया था बिहार पीएससी का, ओरियन मैं बता देता हूँ कौन कौन से तारा, ओरियन तारा मंडल, ठीक है ना, और सप्त ऋषि, ग्रेट वियर, ग्रेट वियर हो गया, ओरियन तो इंग्लिश में ओरियन ही रहता है, ग्रेट वियर हो गया, स्कॉर्पियन कॉन्स्टलेशन, स्कॉर्पियन बहुत सुंदर है, स्कॉर्पियन कॉन्स्टलेशन, इन आप तीन के नाम जरूर याद रखेंगे जब हम तारामंडल की बात करेंगे। तो तारामंडल एक आकाश में तारों का एक ऐसा समूह है जो बहुत सुव्यवस्थित और सुंदर आकृति प्रदान दिखाई देता है, जिसमें से मुख्य रूप से है 88 है तारा मंडल, तो ऐसे लिखने बैठे तो सारे के नाम लिख सकते हो, लेकिन जो मुख्य मुख्य सारे लिख नहीं सकते, 88 याद करना, तो ओरियन, सप्तऋषि और स्कॉर्पियन, समझ में आ रहा है, ये तीन तारा मंडलों के बारे में आप लिख सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, तारा मंडल कहते थे 88। अब बात आती है ओरियन से आया था कि ओरियन जो तारा मंडल है, ओरियन निम्नलिखित में से ओरियन तारा मंडल का सबसे बड़ा तारा कौन सा है, तो ओरियन जो तारा मंडल है, कॉन्स्टलेशन है ओरियन कॉन्स्टलेशन का, सबसे बड़ा तारा है बिटल ग्यूस, क्या है हमारा, बिटल ग्यूस, किसका है ये, ओरियन तारा मंडल का। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ओके। अब ये जो हमारा ये बिटल ग्यूस जो तारा मंडल है, ये हमारा मतलब तारा है उसका, ये तारा है जो कि हमारे से लगभग 427 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है, 427 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। समझ में आ रहा है, हमारे पास का सेंटोरी जो सबसे बड़ा तारा मंडल जो देखा जाता है, उसे क्या है, सेंटोरी को हम मानते हैं, सबसे बड़ा तारा मंडल सेंटोरी कंसिडर किया। लिख लो दो लाइन, लिख लो फटाफट, या पहले और समझ लो, चलो समझ लो, ये समझ में आ गया तारा मंडल, कोई डाउट तो नहीं है, आकृति होती है, ओके। अब आते हैं नक्षत्र, नक्षत्र किसे कहते हैं, हम सोचते हैं हम घबराते हैं, नक्षत्र बदल रहे हैं, तेरे राशियां बदल रही है, नक्षत्र क्या कहलाते हैं, नक्षत्र कहलाता है हमारा ग्रुप ऑफ स्टार, ये था तारों का सुव्यवस्थित समूह,
और नक्षत्र के परिभाषा एक शब्द में अगर बोले क्वेश्चन आ सकता है 20 शब्दों वाला नक्षत्र। नक्षत्र मतलब क्या है? तारों का समूह। समझ में आया? तारों का समूह क्या कहलाता है? नक्षत्र कहलाता है। और नक्षत्रों का समूह राशि कहलाती है। नक्षत्रों का समूह राशि कहलाती है। समझ में आया? एक लाइन में अगर आता है, वन लाइनर में, देखो तारामंडल सुव्यवस्थित सुंदर तारों का जो समूह, उसे हम तारामंडल कहते हैं। लेकिन तारों के समूह को हम क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। और नक्षत्रों के समूह को राशियां कहते हैं। ये समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? ओके, अब ये दो चीजें हो गई। अब आता है जैसे अब जो पृथ्वी है, अब हमारे हैं तारे। एक दिन में देखो, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा चंद्रमा है, मून, मून, ठीक है। अब ये इसकी स्पीड भी चल रही है पृथ्वी के संग, ये भी घूम रहा है, अर्थ भी रोटेट हो रही है, ऐसे घूम रही है, और ये भी घूम रहा है, ये भी घूम रहा है, ठीक है। तो एक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र को तारा, ग्रुप ऑफ स्टार, ये ग्रुप ऑफ स्टार है, ये है नक्षत्र, ठीक है। तो एक दिन में, वन डे, एक दिन में जो चंद्रमा है, जो एक दिन मतलब पृथ्वी के हिसाब से हम एक दिन मानते हैं, तो एक नक्षत्र को पार कर लेता है। कितने नक्षत्र को पार कर लेता है? एक नक्षत्र को पार कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते। तो पृथ्वी का चक्कर लगाते एक तारा समूह को, नक्षत्र को पार कर लिया। जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है। तो जो सूरज का चक्कर लगाते लगाते पृथ्वी 14 दिनों में एक नक्षत्र को पार करती है। कितने दिनों में? 14 दिनों में, 14 डेज में। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है, उन्होंने समझो, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, भाई पृथ्वी के संग सूर्य चक्कर लगा रहा है ना, तो उसकी रेडियस कम है घूमने में। तो ये पृथ्वी, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो चक्कर लगा रहा है, ये चक्कर लगा रहा है जो, तो इसने तारा जल्दी पार कर लिया, एक दिन में पार कर लिया। वहीं पर जो पृथ्वी है वो सूरज का परिक्रमा लगाते लगाते उसे 14 दिन का समय लगता है एक नक्षत्र को पार करने में। समझ में आया? इसलिए जो हिंदू के जो पंचांग होते हैं, बिकते हैं, हम भी लेके आते हैं, एकादशी कब है, द्वादश कब है, व्रत कब रखें, चावल कब ना पकाएं, जो कैलेंडर होता है उसमें जो पंचांग होता है वो 14-14 के छठ पे शुरू होता है हमारा पंचांग। और यानी पृथ्वी ने पूरे नक्षत्र को 14 दिन में पार कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? अब क्या होती है? आती है राशियां। राशियां तो राशियां मतलब नक्षत्रों का समूह। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, राशि उस समय हम बताते नहीं, पंडित बैठ जाते बताने, इस राशि पे भारी शनि, इस राशि पे। तो जब जब नक्षत्र पार होती जाती, पृथ्वी करती चली जाती है, तो वो राशियों के रूप में सामने आती चली जाती है। मेरी बात क्लियर हो रही है आप लोगों के या नहीं हो रही है? ओके, अब थोड़ा नोट कर लो फटाफट, अंदर आ जाओ। या गुड मॉर्निंग। तारामंडल, और कोई डाउट हो प्लीज मुझसे पूछिएगा। ओके, तारामंडल नक्षत्र राशि लिखिए, तीनों लिखिए एक साथ लिख लो, अलग अलग क्या लिखोगे। चलो पहले तारामंडल लिखो। तारामंडल किसी आकाशगंगा के समस्त तारा सदस्यों में, मैं कॉन्स्टेलेशन लिखवा रहा हूं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, आप दोनों इंग्लिश हो तो तुम इस बैच में क्यों? अच्छा, क्या बायलैंग्वेज चलता है इसके? हम फिर नोट्स प्रोवाइड करते हैं, इंग्लिश के ही बच्चे बैठे हुए हैं उनको हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं। समझ में आ रहा है? आपको सिर्फ एक आध पॉइंट आप लिख लीजिएगा जो आपको समझ में आता है, यू विल गेट इट नोट्स। ओके, ये बायलैंग्वेज क्लास है। ये समझ में आया? ग्रुप ऑफ स्टार कॉन्स्टेलेशंस, दे आर 88 कॉन्स्टेलेशन, है ना। अभी आप लिखने जरूरत नहीं, आपसे मेन मेन पॉइंट लिखेंगे। किसी आकाशगंगा के समस्त तारा सदस्यों में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो लिखिएगा, इसके नोट्स मिल जाएंगे। किसी आकाशगंगा के समस्त तारा सदस्यों में कुछ तारे सुंदर आकृतियों, ब्यूटीफुल पैटर्न में ड्रॉ होते हैं, उनको कॉन्स्टेलेशन कहा जाता है। सुंदर आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, सुंदर आकृति के रूप में, ब्यूटीफुल ड्रॉ पैटर्न होता है ना, व्यवस्थित होते हैं। उन आकृतियों क्या कहते हैं हम? उन आकृतियों को, उन आकृतियों को
तारामंडल कहा जाता है, जैसे ओरियन, ग्रेट वियर सप्तऋषि, जैसे ओरियन ग्रेट वियर सप्तऋषि, स्कॉर्पियन तारामंडल, स्कॉर्पियन तारा मंडल, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? अच्छा चलो ठीक है, ये क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी आपको? ओके हमारे कितने कॉन्स्टिलेशन है बेटा? 88 है ना, ध्यान रखना, ब्यूटिफुल पैटर्न में जो ड्रॉ है ना शेप, अभी 88 नहीं दिया तो कितने आप लिखेंगे? 89, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड कर देते हैं अपर, ओके प्लीज लिख लीजिएगा। ओके अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं, 88 अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल हैं, 88 कॉन्स्टिट्यूशन हैं मौजूद, ठीक है, ओके ठीक है। अच्छा कभी कभी ये पूछ सकते हैं, अब 88 तो हम वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज ना, 88 कॉन्स्टिलेशन है ना, तो कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, सबसे बड़ा तारा मंडल कौन सा है? अरे बिटलगुस तो तारा है, ओरियन का बिटलगुस तो तारा है जो बड़ा है, तारा मंडल कौन सा है सबसे बड़ा? सेंटोरी, बताया तो था सेंटोरी, जिसके अंदर 94 स्टार्स हैं, सेंटोरी सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन ग्रुप है ब्यूटीफुल पैटर्न में जो ड्रॉ है, जिसके अंदर कितने स्टार्स हैं? 94 स्टार प्रेजेंट है, किसमें? सेंटोरी में, समझ में आ रहा है? तो ये भी आ जाता है, तो बिल्कुल नहीं, वो तो एक तारा है ओरियन का जो कि हमारे 427 लाइट ईयर दूर है। लिखिए इन 88 कॉन्स्टेलेशंस में से, तारा मंडलों में से, इन 88 तारा मंडलों में से सबसे बड़ा जो तारा मंडल है वो है सेंटोरस, ठीक है, जो सबसे बड़ा तारा मंडल है वो क्या है बेटा? सेंटोरस, ठीक है, ओके। अब चलो ठीक है, इसमें कितने स्टार्स हैं सेंटोरस में? सेंटोरस में 94 स्टार्स हैं। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये सेंटोरस जो है तारा मंडल सबसे बड़ा, 88 में सबसे बड़ा है, ये कहां से, क्या पृथ्वी दिखाई देता? जी हाँ दिखाई देता है, ये कॉन्स्टेलेशन इज विजिबल फ्रॉम अर्थ, पर कहां से? हम ज्यादातर क्या करते हैं, उत्तरी ध्रुव लगाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये सेंटोरस ऐसा तारामंडल है जो हमारे दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देता है, कहां से दिखाई देता है? साउदर्न पोल से दिखाई देता है, दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देता है, साउदर्न पोल से दिखाई देता है, ठीक है। 98 जो 94 तारे हैं ना, उनको हम ज्यादातर अधिकांश को मैक्सिमम कहां से देख सकते हैं? दक्षिणी गोलार्ध से देखा सकते हैं, ठीक है। अब आइए ओरियन, ओरियन का हमने बताया था, ओरियन का दूसरा सबसे बड़ा तारा कौन सा है? बिटलग्यूस, प्लीज लिख लीजिएगा, बिटलग्यूस ओरियन तारा मंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है, दूसरा सबसे चमकीला तारा है बिटलग्यूस, समझ में आ रहा है? ये किसका है? ये इस कॉन्स्टेलेशन का है, ओरियन का बिटलग्यूस दूसरा सबसे चमकीला तारा है। ये बेसिकली हमारी अर्थ से कितना लाइट ईयर दूर है? 427 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष दूर है, कितना? 421, फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ, ठीक है ना। दूसरा, इसकी खोज किसने की थी, ये भी अगर आता है तो आप लिख सकते हैं, इट डिस्कवर बाय 1836 विलियम हर्शल थे उस समय, विलियम हर्शल, 1805 में नहीं किया था उन्होंने, विलियम हर्शल ने 1836 में इसे खोजा था, किसे खोजा था? बिटलग्यूस को, ओरियन, हाँ। और एडविन पी हब्बल ने
एडविन बी हब्बल ने 1995 में एडविन बी हब्बल ने 1995 में इसका चित्र बना दिया था। ये पैटर्न पैटर्न नहीं आता, हम 9th 10th होते पैटर्न देखते नहीं, देखते कॉन्स्टेलेशन के पैटर्न बने, इनको पूरा चित्र बना के दिखाया था, पैटर्न ड्रॉ किया था 1995 में। ओके ठीक है, ये क्लियर हो गया, बस इतना काफी है। आपको कॉन्स्टेलेशन में अगर वन लाइनर में आता तो भी आप लिख सकते हो 15 से 20 शब्दों में, और अगर हमारा 80 शब्दों में आता है 80 वर्ड्स में, जो बीच का पोर्शन रहता है ना, बी सेक्शन 80 वर्ड 20 क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें भी आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो भैया ग्रुप ऑफ स्टार जो ब्यूटीफुल पैटर्न में ड्रॉ होता है, उस पैटर्न को, उस आकृति को हम क्या कहते हैं, तारामंडल कहते हैं, कॉन्स्टेलेशन कहते हैं। 88 कॉन्स्टेलेशन प्रेजेंट अभी है, जो हमारी अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उन्होंने 88 कॉन्स्टेलेशन ड्रॉ किए हैं, बताए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटोरस है। ऑन टाइम सारा याद कर लो तो पता नहीं पेपर में क्यों नहीं लिख पाते, मतलब रिवीजन नहीं होता अपना, रिवीजन करो हर दिन तो रट जाए, ऑन टाइम याद हो जाती चीजें। 88 कॉन्स्टेलेशन सबसे बड़ा सेंटोरस है, जो सेंटोरस हमारे सबसे बड़ा जो तारा मंडल है उसमें 94 स्टार हैं, और 94 स्टार कहां से विजिबल होते हैं हमारे, मैक्सिमम सारे नहीं होते लेकिन मैक्सिमम साउदर्न पोल से आपको दिखाई देते हैं। उसके बाद ओरियन जो हमारा कॉन्स्टेलेशन है उसका सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरा चमकीला तारा बेटलग्यूस है, जो बेटलग्यूस हमसे अर्थ से हमारा कितना दूर है, 427 लाइट ईयर दूर है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसकी खोज 18 का डबल कर दो कितना होता है, 36 मैं भी ऐसी याद करता हूँ भैया, 1836 36 में खोजा गया था, और हब्बल जी को हम भूल ही नहीं सकते, कह रहे थे पी हब्बल को भूल ही नहीं सकते, 1995 में इन्होंने उसको चित्र ड्रॉ कर दिया था। बम, ये हो गया बम, तारामंडल बम, ठीक है ना। ओके, अब आता है हमारा नक्षत्र। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, ये पूछा जा सकता है कि नक्षत्र जो हैं, नक्षत्र तो बहुत सारे होते हैं, तारा मतलब नक्षत्र क्या बोला था, ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड नक्षत्र, इंग्लिश हिंदी में नक्षत्र ही कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार कॉल्ड नक्षत्र। तो हमारे आकाश में कुल कितने नक्षत्र देखे जाते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं जिनको देखा जाता है। समझ में आया, एक दिन में इन ग्रुप ऑफ स्टार को पार कौन कर लेता है, मून पार कर लेता है, और अर्थ को कितना टाइम लग जाता है, 14 दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो सूर्य की परिक्रमा इनको करता, तो टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए हमारा जो पंचांग होता है, पंचांग तो जानते हो ना, पंचांग होते हैं, कैलेंडर होते हैं, उसमें हमारे 14 दिन का इफेक्ट पूरा पंचांग खत्म करता है, फिर से शुरू होता है। एकादशी द्वादशी चतुर्दश नहीं होते, ये पूरा क्या होता है, ये कभी सुना 18 दस 20 दस 22 दस, आज 14 चतुर्दशी है ना, हाँ पूरे माह का अपने 2 बार घूम जाता है, एकादशी आ जाती नहीं आ जाती कभी, तो ये इसलिए होता है, कभी सुना 20 दस चल रहा है आज, वो क्यों होता है, क्योंकि वो नक्षत्रों को पृथ्वी इन ग्रुप ऑफ स्टार्स को वो कवर करने में 40 डेज की उसको रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया नहीं हो गया, इसका क्वेश्चन छोटे पूछे जा सकते, नोट कर लो प्रॉपर नक्षत्र। ओके, अनेक तारों के समूह को नक्षत्र कहा जाता है, ग्रुप ऑफ स्टार कॉल नक्षत्र, ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल नक्षत्र। आकाश में पृथ्वी के आसपास लगभग 27 ऐसे तारा समूह हैं जो रात में आकाश में दिखाई देते हैं, 27 आकाश में पृथ्वी के आसपास रात में दिखाई देने वाले कितने हैं, 27 नक्षत्र समूह हैं, 27 नक्षत्र समूह हैं जो दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है, चंद्रमा मून जब रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन करता है अर्थ का, जब खुद तो घूम ही रहा है, जब वो रेवोल्यूशन करता है किसका, अर्थ का, रेवोल्यूशन कहलाता है घूर्णन परिक्रमण, या चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए प्रतिदिन डेली एक नक्षत्र को ग्रुप ऑफ स्टार्स को पूरा कर लेता है, पार कर देता है, क्रॉस कर देता है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए हर दिन प्रतिदिन एक तारा समूह को पार कर लेता है,
प्रतिदिन एक तारा समूह को पार कर लेता है। While Earth take 14 days, anyway, to cross any group of stars. जबकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए, एक तारा समूह को पार करने में 14 दिन का समय लेती है। एक पूरे को तारा समूह को पार करने में 14 दिनों का समूह लेती है। समझ में आ रहा है? यानी 14 दिन हमारे पंचांग में जरूर लिखना, हमारे पंचांग में इसलिए एक पक्ष कितना होता है, 14 दिनों का होता है। एक पक्ष लिखा होता है, पक्ष भी लिखे होते हैं पंचांग में, इसलिए हमारे पंचांग जो कैलेंडर होता है, इंडियन कैलेंडर होता है, उसमें 14 डेज का एक पूरा रोटेशन माना जाता है नक्षत्रों का। 14 दिनों में एक पक्ष रखा जाता है पंचांग में, हमारे हिंदू पंचांग में 14 दिनों का एक पक्ष होता है। कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा ठीक है। अब ये जो अपने पंचांग राशि तो हम जानते हैं, कर्क मकर वकर 12 राशि, ये जो पंचांग होते हैं कुछ के नाम, 14 पंचांग आपको याद करने जरूरत नहीं कर दे। इसमें देखो चित्रा रेवती कुशना चिप्ता, आप कहो तो नाम याद कर सकते हो, कुछ याद करो लिखना है, मैं तो मुख्य कर रहा हूँ चित्रा रेवती, क्योंकि ये तो एक वो है समूह है तारों का, चित्रा रेवती स्वाति, स्वाति भी एक नक्षत्र है जो स्वात्री है, अश्व है ना, स्वाति मेघ है, चित्रा है, स्वाति है ना, रेवती है, कुछ भी आप दो चार एग्जाम्पल लिख देना, मुख्य परीक्षा में आप लिखोगे तो दो चार एग्जाम्पल लिख देना। समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। मेगा 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 स्वाति चित्रा रेवती हस्त, हस्त भी कितने भाई, पूरे बहुत सारे हो जाएंगे ना, आप तो सिर्फ वही रखो। चलो ठीक है, ये समझ में आ गया नक्षत्र, कोई डाउट तो नहीं है? एनी डाउट? ओके, अब आइए राशियां। राशियां कैसे बनती हैं? ग्रुप ऑफ नक्षत्र कॉल राशियां। समझ में आया? ग्रुप ऑफ नक्षत्र कॉल राशियां। कितने नक्षत्र दिखाई देते हैं? 27। अब सोचो 12 राशियां हैं टोटल, तो ग्रुप ऑफ 27 में मल्टीप्लाई 12 से कर दो, कितने सारे हो जाएंगे नक्षत्र की अगर संख्या देखा वैसे देखी जाए तो, अगर हमें दिखाई देते विजिबिलिटी है, वो तो खैर एनीवे। तो राशियां, ग्रुप ऑफ नक्षत्र कॉल राशि, आई मीन टू से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान अनेक नक्षत्र समूह से भी होकर गुजरती है, अनेक नक्षत्र समूह से भी होकर गुजरती है।